खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस कमेटी बरेली ने भाजपा के पूर्व मंत्री को दिया ज्ञापन। बरेली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बरेली इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में उनके बेटे को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी ने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलनरत है। हम लोगों ने किसानों से उनकी समस्याओं एवं समाधान को लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अधिक अधिक मांग पत्र भरवाए गए हैं, जिसमें प्रदेश के किसानों ने निम्न समस्या बताते हुए उसके समाधान की अपेक्षा की है। किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा पूर्व मंत्री एवं विधायक जी से भी अनुरोध है कि अन्नदाता किसानों की निम्न समस्याओं मांगों को विधानसभा में उठाने, मुद्दा बनाने एवं उन्हें हल करवाने में सहयोग करें। आपके क्षेत्र में किसानों ने जो समस्या उठाई है उनमें मुख्य रूप से किसानों की सबसे प्रमुख समस्या छुट्टा जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी है और पिछले 3 से 4 वर्षों में कृषि लागत कई गुना बढ़ी। पिछले 3 सालों से गन्ने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, न ही समय से भुगतान हो रहा है। गन्ना किसान बेहद परेशान है, ऐसा ही हाल अन्य किसानों का भी है। लागत और फसलों के दाम में भारी अंतर के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर है। सरकार कर्ज माफी के वादे को अमल नहीं कर रही है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। ये सब कैसे आना हुआ आपका? देखिए, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर किसान जनजागरण अभियान 6 तारीख को लखनऊ में इसका शुरुआत की गई थी। हमने इस जनपद के और प्रदेश के तमाम किसान परिवारों से हमारे लोगों ने बात की, किसानों की जन समस्याएँ सुनी और उनकी जो समस्याएं थी, क्योंकि जनता ने जनप्रतिनिधि चुने होते हैं, विधायक सांसद चुनने का काम हमारी जनता जो करती है, उसी को लेकर जो उनकी समस्याएँ थी, इनका घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ की जो विधायक निर्वाचित हुई उनका एक घोषणा पत्र था। उन्होंने कहा था कि किसानों से वायदे किए थे कि कर्ज माफ़ी को लेकर, वहाँ पर जो भी समस्याएं किसानों से जुड़ी थी, रोजगार को लेकर, नौजवानों से जुड़ी थी, उसको लेकर इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसी को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया था और हमने जनपद के तमाम किसान परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना था। उसी के संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में तमाम हमारे साथी कांग्रेस के लोग, जनपद बरेली में भी सारे 9 के 9 MLO को हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और मांगे हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा आवारा पशुओं जिस तरीके से किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी कोई भी चीज़ नहीं है। गौशाला के नाम पर सिर्फ एक घोषणाएँ हो रही हैं और गौशाला कहीं नहीं है। तो इसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी चौकीदार को लेकर। किसान आज एक चौकीदार बन गया है और किसान चौकीदारी कर रहा है, रात को जग रहा है अपने परिवार पोषण करने के लिए, जो उसका एक जरिया होता है वो फसल उनकी नष्ट की जा रही है। इसको लेकर हमारी मांग है कि हर गांव में गौशाला का निर्माण होना चाहिए और किसानों को, जो किसान रात को जग कर अपनी फसलों को रखा रहे हैं, उनका गौशाला का निर्माण के साथ साथ उनको भत्ता देना चाहिए, उनको मजदूरी मिलना चाहिए। ये मांग हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि वो मुख्यमंत्री से मांग करें, अपना क्वेश्चन बनाएं और उसको सुनिश्चित करने का काम करें। कि अब कांग्रेस ने एक बहुत ही सशक्त ऑपोजिशन का रोल निभाना शुरू कर दिया है पूरी जोर से, ताकत से। पहले प्रदेश में पूरे हमारे फेरबदल हुए, नए नए जिलाध्यक्ष और बिल्कुल ऊर्जावान हमारी पूरी आलाकमान बनी है ये, और इस सारा श्रेय हम अपनी उनको मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हमारी, हम उनकी डिमांड कर रहे हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी के ही निर्देश पे, उनके कुशल नेतृत्व में ये 1 महीने का प्रोग्राम बनाया गया है, जन जागरण किसान जागरण अभियान। इसमें हम लोग ये शहर में नहीं, ज़्यादातर हम देहात में सारे किसानों से मिलकर उनकी परेशानियाँ जानकर ये अब इन MLAs और MPs के माध्यम से, जो रूलिंग पार्टी के हैं बरेली में 9 के 9 MLA, सारे MP सब मिनिस्टर भाजपा के हैं, तो हम चाहते हैं कि इन सब के माध्यम से हमारा जो संदेश है, जो जैसा कि अशफाक सकलैनी जी ने भी कहा, जिस तरह से किसान परेशान है कि बस बातें सुन रहा है, वो उसके पास इतना जरिया नहीं है कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, तो हम उनकी आवाज़ बनकर, किसान की आवाज़ बनकर आज यहाँ पर अपना एक ज्ञापन, तो आपने ज्ञापन कहा, ज्ञापन हमने दिया है MLA साहब, क्योंकि आज वो सेशन चल रहा है तो राजेश जी यहाँ पर नहीं है, राजेश अग्रवाल जी मान्य राजेश जी, तो हमने उनके कार्यालय में ये दिया है ताकि उनके माध्यम से योगी जी को और फिर मोदी जी को मिले और वो जाने कि वाकई में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें बताने वाले सब उनको बहलाने वाले लोग हैं, हम उन्हें असलियत बताना चाहते हैं कि क्या किसान किस तरह परेशान है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और अभी हम लोग शहर विधायक के यहाँ जाने वाले हैं, माननीय अरुण कुमार जी के यहाँ, उनको भी हम यही ज्ञापन देने वाले हैं।